हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। रोज मेरी बेटी की सासू माँ का फोन आ जाता है कि आपने अपनी बेटी की तबीयत बहुत उम्दा की है, बहुत आला की है। हाँ, कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देती। और आजकल के लोगों ने तो पता नहीं अपनी बेटियों को क्या सिखाया हुआ है, ना तौर तरीकों का पता, ना घर के कामों का पता, बस अपनी मर्जी करती फिरती हैं। बस शुक्र है मेरी बेटी की तरफ से तो कभी कोई शिकायत नहीं आती। क्या कह रही हो, भाभी ने मना कर दिया है? अच्छा पूछती हूँ मैं इसको अभी। वजीहा, ओ वजीहा, तुमने मेरी बेटी की काम वालियों को मना कर दिया है तो उसके घर पे काम नहीं करना? नहीं, क्या वजह बनी जरा बताना पसंद करोगी मुझे? जी, मम्मी जी, मैंने ही मना किया था उनकी काम वालियों का नंबर लेके। ना मैंने कहा कि आप कल ना किसी से फोन पे बात कर रही थी कि दीदी जो है वो बहुत अच्छा काम करती हैं, आपने उनकी बड़ी अच्छी तबीयत की हुई है, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना अपने ससुराल में काम करने का। कितनी अच्छे वो बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, कितनी जल्दी वो उठ जाती हैं। तो जब तक वो दिखाएंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा उनकी सासू माँ को कि वो कितनी अच्छी है, उनकी तबीयत आपने कितनी अच्छी की हुई है। इसीलिए ना मैंने फिर उनकी काम वालियों को मना कर दिया था। अच्छा, नहीं करना था मना? अच्छा चले ना, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ और ना मैं उनसे कहती हूँ कि दीदी के घर ना वापस काम करने चली जाए।